बढ़ने की आशंका के बीच लौटने लगा मास्क युग। संसद में मास्क में दिखे पीएम मोदी, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष सांसदों से मास्क पहनने की अपील की। हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। कोरोना की आशंका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक आज, जारी हो सकते हैं नए दिशा निर्देश। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों की भी अहम बैठक आज। चीन से भारत आने वाले यात्रियों के रैंडम टेस्ट कराने का सरकार का निर्देश। एयरपोर्ट पर फिर शुरू होगी सैंपलिंग और टेस्टिंग। चीन में कोरोना से हालात हुए बेकाबू। अस्पताल से लेकर शमशान तक लोगों की लंबी लंबी कतारें। WHO ने कहा हालात और आंकड़ों की सही जानकारी दे चीन। राज्यसभा में हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार पर अपने बयान को लिया वापस। कहा नहीं था बिहार या बिहार के लोगों के अपमान का मकसद। There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. तिहाड़ के पूर्व डीजी संदीप गोयल सस्पेंड। सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया था रिश्वत लेने का आरोप। सत्येंद्र जैन मसाज मामले में भी उठे थे सवाल। रूस से जंग के बीच अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का संसद में भव्य स्वागत। व्हाइट हाउस में बाइडेन से मुलाकात के बाद कहा यूक्रेन को कोई डर नहीं। वी डिफीटेड रशिया इन द बैटल फॉर माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड। We have no fear. The Future of News Award समारोह में नेटवर्क 18 का बजा डंका। 100 बात की एक बात को मिला बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड। पूरे नेटवर्क को मिले 26 अवार्ड। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक दर्शकों ने खबरों के लिए। न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।